नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स में। युवराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। युवराज सिंह ने एक बड़ी बात कही है सेलेक्टर को लेके। इंडियन क्रिकेट टीम में जिस तरीके से प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है उसे लेकर बड़ी बात में जो अहम बात है वो ये बात कही है कि कई बार खिलाड़ियों को मैच में इस वजह से भी खेलना पड़ता है कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो टीम से उनकी जगह चली जाएगी, खासतौर पर वो अनफिट हों। इंजरी को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही कि कई बार खिलाड़ी को इंजर्ड होने के बाद भी टीम में खेलना पड़ता है। बोर्ड की तरफ से कई बार उन पर प्रेशर पड़ता है कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह चली जाएगी। अब इसे लेकर जो बहस की बात जो शुरू हुई है वो ये है कि बोर्ड का मोटिव क्या है, क्या पैसा बनाना है या फिर टीम की जीत के लिए 100% फिट खिलाड़ियों को मैदान पर उतारना है। तो युवराज सिंह के इस बयान को लेकर ये सारी बातें जो है खुलकर सामने आ रही हैं। अब युवराज सिंह इस वक्त क्यों बोल रहे हैं ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि युवराज सिंह का जो करियर है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो अब दुबई में अलग अलग क्रिकेट जाके खेल रहे हैं। इस मौके पर वो खुलकर अब ये बात रख रहे हैं। मैक्सवेल का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से मैक्सवेल जो है अपने मेंटल इलनेस की बात कर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से दूर है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने उसे सराहा और ये बात मानी कि हाँ, खिलाड़ी को भी ब्रेक लेने का अधिकार है, लेकिन युवराज सिंह के या फिर इंडियन क्रिकेट के मामले में भी ऐसा होना चाहिए। युवराज सिंह ने सेलेक्टर्स को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो इंडियन क्रिकेट टीम में मौजूदा दौर में जो सेलेक्टर्स हैं वो अप टू मार्क नहीं है, यानी कि सेलेक्टर्स को लेकर जो सवाल जो है फारूक इंजीनियर पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज जो थे उन्होंने खड़े किए थे, उसी बात को युवराज सिंह भी दोहरा रहे हैं। तब फारूक इंजीनियर ने ये बात कही थी कि भारतीय जो सेलेक्टर्स हैं, हालांकि उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि एक बार वो किसी मैच में मैच देख रहे थे और कोई बीसीसीआई की जर्सी पहनकर कोट पहने ब्लेजर पहने हुआ था जिसके ऊपर बीसीसीआई का लोगो लगा हुआ था। उन्होंने अपने किसी सहयोगी से पूछा कि आखिर ये कौन है, तो किसी ने बताया कि ये एक सिलेक्टर है। तो जिसे लेकर उन्होंने कहा था कि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सिलेक्टर जो है वो अनुष्का शर्मा को यानी कोहली की पत्नी को चाय पिलाते हुए नजर आए हैं। हालांकि बाद में वो विवाद बना और फारूक इंजीनियर ने फिर ये क्लियर किया कि वो जो है उन्होंने कटाक्ष के तौर पर वो बात कही थी। लेकिन युवराज सिंह का जो बड़ा बयान आया है कि कई बार खिलाड़ियों को इंजर्ड होते हुए भी खेलना पड़ता है, ये एक बड़ी बात है। सौरभ गांगुली को बीसीसीआई में आने के बाद में युवराज सिंह काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा भी था कि अगर सौरभ गांगुली हमारे दौर में होते तो शायद और बेहतर होता। तो ये एक बड़ी बात है कि खिलाड़ियों को इंजर्ड होने के बाद भी उन पर खेलने का प्रेशर बनाना वो किस मोटिव के तहत है, क्या टीम की जीत इंपॉर्टेंट है या फिर बीसीसीआई के लिए इंपॉर्टेंट है पैसा, क्योंकि खिलाड़ी जिस पर भी ये प्रेशर बनाया जाता होगा जाहिर तौर पर उसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती होगी और बीसीसीआई चाहता होगा कि स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को खींचने के लिए युवराज सिंह जैसे प्लेयर अगर मैच में खेल रहा है तो ऑब्वियसली कि मैदान पर जो है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक देखने के लिए आएगी रेदर देन कोई और दूसरा छोटा खिलाड़ी। तो ये एक बड़ी बात है। युवराज सिंह ने विजय शंकर का भी एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा जिस तरीके से विजय शंकर जो है वो चोटिल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद उनको टीम से बाहर कर दिया गया और बाहर जाने के बाद जब वो फिट हुए तो उनकी वापसी टीम में नहीं हो पाई। अब यहां पर दो चीजें निकल कर आती है। एमएसके प्रसाद का एक बयान आपको याद होगा जिन्होंने धोनी और ऋषभ पंत को लेकर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत को हमें बैक करना होगा, इसी तरीके से कोई भी खिलाड़ी जो है वो तैयार किया जाता है। तो ऋषभ पंत को यहाँ पर तैयार करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर खिलाड़ियों की भरमार है, कितना कॉम्पिटिशन है ये सब जानते हैं और जिस लेवल का क्रिकेट तमाम खिलाड़ी जो है वो खेल कर आते हैं, तो क्या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें ना आंका जाए या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को बैक कर उसे टीम में जगह दें। अगर ऐसा है तो फिट होने के बाद विजय शंकर को टीम में क्यों वापस बार बार मौके नहीं दिए जा सकते। तो ये वो तमाम सवाल हैं। इस पर आपकी क्या राय है, युवराज सिंह के इस बयान को सुनने के बाद आप इस पर क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो, हमारी ये खबर अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम कोई खबर पोस्ट करें वो आप तक पहुँचे सबसे पहले।